यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी का जो मेंस का पेपर हो रहा है, तो इसमें ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है। तो ऑप्शनल के जियोलॉजी का पेपर है, तो उसमें देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए ये 8 भाग में दिया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिए हैं 8 पार्ट दिए, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जो सेक्शन दिए हैं, सेक्शन आपका ए और सेक्शन बी, 8 क्वेश्चन दिए, 8 पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सब में पार्ट में यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आप क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, पहले क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट हैं, ठीक है, ये ए बी सी डी करके 5 हैं, और सेकंड क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन में आपका ए बी और सी, 3 पार्ट हैं यहाँ से। अब सबका मार्क्स डिसाइड है, 20 मार्क्स का ये, और ये आपका 15 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का है, राइट। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ए बी सी, देखो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये कितना मार्क्स का है आपका, ए बी सी और आपका 20 मार्क्स, 15 मार्क्स आपका, 15 मार्क्स। तो देख सकते हैं सबका मार्क्स यहाँ पर अलग अलग डिसाइड किए गए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको करना है कि 200 वर्ड का करना है या 250 वर्ड का करना है, 150 वर्ड का करना है, तो उसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से 20 वर्ड का करना है, 20 मार्क्स वाला करना है, ठीक है। 15 मार्क्स वाला आपको करीब 150 से 160 170 वर्ड में करना है, ठीक है। और जो आपका रहेगा 10 मार्क्स का, वो भी आपको करीब 100 वर्ड का करना रहेगा क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। यहाँ पर आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन बी, सेक्शन बी से आपका 5वें नंबर से स्टार्ट है, यहाँ पर भी आपका 5 क्वेश्चन होगा, राइट। ये 5 क्वेश्चन है, और छठा नंबर क्वेश्चन ये, छठे में आपका 3 पार्ट है, ए बी सी करके यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अगला है सातवां में आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, मार्क्स सबके यहाँ पे सामने दिए हैं, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, मार्क्स देख के आपको क्वेश्चन लिखना है कि कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके हिसाब से करना है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, 8वां रहेगा, 8वें में आपका 3 पार्ट यहाँ पे दिया है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट वो रहेगा पार्ट, मैं उसका पीडीएफ यहाँ पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल लिंक का मैं लगा दूंगा नीचे, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।